हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लावा अग्नि 2 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड का, साउंड पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब साउंड के अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन। इस ऑप्शन के सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी ये चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आप जब भी है ना अपने मोबाइल फोन को अपने चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे चार्जिंग के लिए, ठीक है, तो जैसे ही आप अपने चार्जर का प्लग अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त आपके मोबाइल फ़ोन से एक साउंड की आवाज़ आएगी और साथ ही साथ एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा आपके फ़ोन से, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ऐसे काम करेगी आपके मोबाइल फ़ोन में। अब मैं आपको इस सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का आपको ये सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सेटिंग पेज को चलिए हम फिर से ओपन करते हैं। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन का। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है तो इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।